हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी मशीन की ज़िगज़ैग को इनक्रीज़ करेंगे। और ये पेपर हमने जो लिया हुआ है, इसकी जगह हम प्लेन पेपर भी ले सकते थे, पर इसमें ये जो रॉ है, ये जो सीधी लाइनिंग है, इसके वजह से हमने इस पेपर को चूज़ किया है कि सेटिंग के पहले आपका ज़िगज़ैग मशीन में कितना है, इस पेपर के ज़रिए मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो आप इस घड़ी पर भी ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे घड़ी और निडल को एक ही फ्रेम में रखा है ताकि आपको चीज़ें अच्छी बेहतर समझ में आए। तो इस पेपर पे हम निडल को गिरा के आपको दिखाने वाले हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है, फुल चौड़ाई लेंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी इस चैनल पे आपको ज़िगज़ैग इंक्रीज़ करने का एक टिप्स हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, पर ये जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको एक सेकेंड टिप्स देंगे जो कि उससे बिल्कुल डिफरेंट है और काफ़ी ये आसान भी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख लें बिफ़ोर सेटिंग ये किस तरीके की इसकी चौड़ाई है। देखिए दोनों लाइन को ये टच कर रही है। फुल लेंथ में हम 5 नंबर पे इस घड़ी को रखे थे, उसके बाद की ये रिज़ल्ट है। और इसकी फुल चौड़ाई है ये, इस लाइन से दूसरी लाइन तक। तो अब हम ज़िगज़ैग को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि इसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे। वो कैसे किया जाता है आप वीडियो में आगे देखेंगे, और इसको जूम करके थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये है हमारे मशीन की घड़ी जहाँ से हमको सेटिंग करनी है। यहाँ से आपको ये खोलना होता है। सबसे पहला काम आपको ये नीचे से आप इसको खोल लें। आप पेचकस से भी खोल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पाना है इस साइज़ का तो पाने से भी खोल सकते हैं, या फिर ब्लास्ट से भी। तो इस घड़ी को खोल लेने के बाद हम बाहर निकालेंगे। दोस्तों आपने इस तरीके की सेटिंग हमारे जो वीडियो में पिछली बार देखा था उससे ये बिल्कुल अलग है, इसका मेथड बिल्कुल अलग होने वाला है। और ये जो पेच आप देख रहे हैं, ये स्क्रू आप जो देख रहे हैं, यही स्क्रू जो होता है इस गैप में रन करता है। और यहाँ से आप जब फुल लेंथ लेते हैं तो इस गैप में जितनी स्पेस होती है उस स्पेस में ये जो स्क्रू होता है वो रन करता है, जिससे कि हमारा ये ज़िगज़ैग मूवमेंट करता है, मतलब हमारी मशीन की सुई जो है मूव करती है। तो दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये टिप्स आपको दिया था कि इस स्क्रू को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रन करवाने के लिए आप इस गैप के जो स्पेस को आप थोड़ा सा और रिसाइज कर सकते हैं, कि इस स्क्रू का जो साइज है उसको थोड़ा सा घिस के, और या तो फिर इसको यहाँ प्लेट से थोड़ा सा इसमें कटिंग करके और इसके साइज को और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ डिफरेंट हमने आइडियाज़ लगाए हैं, और किस आइडिया से इसमें हमने इंक्रीज़ किया है ज़िगज़ैग को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को गौर से देखें, और वीडियो को अब भी लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं, और ये स्क्रू खोल लेने के बाद आपको हम बताने वाले हैं कि कौन सा वो तरीका है जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से आप चाहें तो आप अपने ज़िगज़ैग को इंक्रीज़ कर लेंगे, और वो भी घर पे, कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मशीन को खुद अपने घर पर ही अपने ज़िगज़ैग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने मशीन के स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे, और देखिए इसकी साइज़ देखिए आप, इसकी जो ये ऊपर का बैलेंस का साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इसकी जो टोपी है उसकी साइज़ देखिए और इसकी साइज़ देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। और ये जो होता है इसको घिस के बनाया जाता है। देखिए मैंने इस स्क्रू को घिस के रिपेयर शॉप से इसको घिसवा के लाया था आपको दिखाने के लिए डेमो, और इसका भी यूज आप करेंगे तो आपका ज़िगज़ैग इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में इसका यूज़ करना आपको बता दिया है, तो इसमें हमको इसी स्क्रू से इस ज़िगज़ैग को बढ़ाना है और कुछ दूसरा नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि इस स्क्रू को हमने जहाँ से निकाला, देखिए यहाँ पे पहले ये स्क्रू फिट था तो इसको हमने यहाँ से निकाला बाहर, तो ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लगा हुआ था। अब इसी स्क्रू को हम क्या करेंगे कि उसी होल में
उसी जगह पे उसी स्पेस में इसको हम बाहर से ऐसे लगा देंगे, बाहर से इसको अंदर की तरफ जाने देंगे। दोस्तों इस तरीके से लगाने से क्या होने वाला है मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ डिटेल में कि इसको बाहर से क्यों लगा रहा हूँ मैं और इससे कैसे ज़िगज़ैग इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों इससे डेफिनेटली होगा, उसके लिए आप समझ लें पहले ये स्क्रू जो है इसकी जो अंदर की जो साइज़ थी पहले बड़ी थी टोपी की वजह से, अब ये जो है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ लगाएंगे तो ये साइज़ छोटी हो जाएगी और इसके कटआउट में स्पेस ज़्यादा मिलेगा रन करने के लिए, या तो हम प्लेट को कट करते या स्क्रू को। तो यहाँ पे हमने सीधे स्क्रू को बाहर से लगा दिया जिससे कि यहाँ पे जो साइज़ है हमको वो मिल गई, और इसकी वजह से अब क्या होगा कि इस कटआउट में जो गैप है उसमें ये जो स्क्रू का साइज़ कम होने की वजह से इसको स्पेस ज़्यादा मिल गया जिसकी वजह से ये ज़्यादा रन करेगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी यहाँ तक ही आपका ये सेटिंग ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग करना होता है, नहीं तो आपके नीडल में वाइब्रेट होगा और नीडल आपकी सही जगह पे नहीं गिरेगी और सेंटर आपका आउट हो जाएगा। तो ये सारे सब सेटिंग करने होते हैं आपको और उसके बाद ही इस घड़ी को टाइट करना है। तो सारे सेटिंग आप कर लें उसके बाद घड़ी को हम सेट करेंगे यानी कि फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि अगर आप सेटिंग नहीं करते हैं घड़ी की लास्ट वाली जो सेटिंग है इसकी जो सेंटर की सेटिंग अगर आप सही नहीं करेंगे तो आप देखें किस तरीके से ये चलती है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है इसकी सेटिंग वापस से आपको सही करनी। तो यहाँ पे आप घड़ी की तरफ पहले देख लें कि हमने घड़ी को बिल्कुल टच नहीं किया है फिर भी ये जो है कि ये यहाँ वहाँ नीडल गिरेगा। देखिए कहाँ पे नीडल गिर रहा है, सिंगल टाके पे यानी कि ज़ीरो नंबर पे, देखिए एक ही बार में यहाँ वहाँ ये घड़ी काम कर रही है और कहीं पे भी ये नीडल गिर सकता है क्योंकि ये डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए प्लेट के बाहर जाके नीडल गिर रहा है, हालांकि ये ज़ीरो नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सारे मैटर को आप ठीक करेंगे उसके बाद ही जो कि आपकी सेटिंग पूरी कंप्लीट होगी। तो दोस्तों चलिए इसकी हम सेंटर की सेटिंग भी कर लेते हैं घड़ी से। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप इसको सेटिंग करना जान जाएंगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपके जो टाँके होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि आपका ज़ीरो नंबर पे सिंगल सिलाई वाला जो काम होता है वो आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको घड़ी से ही सेटिंग किया जाता है, वो मैटर आपका यहीं से सॉल्व किया जाता है। तो आप इस वीडियो के ज़रिए ये भी सीख लेंगे कि उस वाइब्रेशन को कैसे ठीक किया जाता है इस घड़ी से। आपको ये जो पेच है इसी पेच पे पेचकस से आपको घुमाना होता है। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर में लाया इसको घुमा के, और उसके बाद आप इस तरीके से कपड़े पे भी ट्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने ये पेपर पे आपको करके दिखाया है। देखिए किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, आपकी ज़ीरो नंबर पे भी सिंगल सिलाई नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए घड़ी पे, अब यहाँ से आपको पेचकस आपका जो है कि हल्का हल्का राइट साइड में हल्के हल्के हाथ से आपको राइट साइड की तरफ बढ़ाना है, और जब तक आपका इस नीडल की वाइब्रेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको ये राइट साइड में हल्का हल्का घुमा के इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन है सेंटर का वो देखिए वाइब्रेट जो हो रहा था वो सही हो गया है। तो इस पे हम अब इसको फिक्स कर लेंगे और इस पेज को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे, उसके बाद आपको हम फिर कागज़ पे दिखा देंगे कि इसका जो पोजीशन है अभी फ़िलहाल कैसा है पहले के कंपैरिजन में। दोस्तों इस पेज को टाइट करने के टाइम आप ध्यान दें कि इस पेज को काफ़ी अच्छे से टाइट करें, बिल्कुल इसमें बाद में कोई खुलने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो
तो यहाँ पे अब हम आपको एक बार और चेक करके दिखा दे रहे हैं कि अभी इसका जो सेंटर पोजीशन है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले अब ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, जिससे कि आप पहले देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था, और अब जीरो नंबर पे जो है कि एकदम परफेक्ट सिलाई हो रही है इससे। तो ये सिलाई के टाँके हैं, और ये जो है पहले आप देखे थे जो ब्रेक इसकी चौड़ाई थी, जो फुल उसकी जो चौड़ाई थी आपने देखी थी। तो आफ्टर सेटिंग के बाद अब इस घड़ी को हम फुल करके भी देखेंगे कि इसकी जिग जैग में कितनी इंक्रीज़ हुई है, और इसकी जो जिग जैग है मशीन की जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ी है पहले से। लेकिन यहाँ पे हमने 5 नंबर यानी कि फुल पे इसको रखा हुआ है, और अब यहाँ पे हम रॉ पे यानी कि लाइनों पे चला के देख ले रहे हैं कि इस पेपर पे पहले के मुकाबले ये अब कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले 3 होल आपने जो लाइन टू लाइन देखा था ये बिफोर थे, और ये जो है एक्स्ट्रा जो उसके साइड में होल लगे हुए हैं ये सेटिंग के बाद के होल हैं। देखिए ये जो बाहर वाले आपको जो होल दिख रहे हैं यानी कि इसकी चौड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। चलिए दूसरी जगह नीडल गिरा के दिखा रहे हैं आपको, फिर आपको वापस से करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ये रॉ से काफ़ी बाहर जा रही है, पहले ये लाइन टू लाइन आ रही थी, अब ये लाइन से काफ़ी बाहर जा रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी जो है कि चौड़ाई हो गई है मशीन की, और इस चौड़ाई से आप काम करेंगे काफ़ी चौड़े चौड़े काम, आप काफ़ी चौड़े पत्ते और पत्तियां बना सकते हैं। काफ़ी फ़ायदे होते हैं चौड़े टाँके पे काम करने के, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है। और इसमें आपको एक ख़ास चीज़ और देखना होता है कि इसकी जो चौड़ाई है इतना भी ना हो कि वो शटल के जो डिपी होती है अंदर, अभी चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से समझा दे रहा हूँ उसको भी, क्योंकि ये भी देखना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सेटिंग इतना ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर दें कि आपके जो शटल है और उसके जो गैप होते हैं उस गैप के बाहर जाके आपका नीडल गिरे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये नीडल की जो है सीधी जो इसमें जो जब्बा लगा हुआ है इसकी जो सपोर्टर लगी है, मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इस जब्बे को इसको जिब्बा बोलते हैं। देखिए ये जो सपोर्टर है ये जो हमारी मशीन की जो सुई है उसके ठीक सामने होनी चाहिए सीधी लाइन में, क्योंकि अगर वो ठीक सामने नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि आप जब नीडल को ऊपर करके चौड़ाई में गिराएंगे और ये ठीक सामने नहीं होगा तो शटल की जो ये डिब्बी होती है वो भी क्रॉस हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक साइड आपका नीडल जाके उस डिब्बी पे लग सकता है। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट जिसको बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा अगर आपकी जिगजैग इंक्रीज़ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए हम एक बार इस कपड़े पे इसको चला के देख लेते हैं कि इसकी चौड़ाई की रिज़ल्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गई है पहले से। मेरे मशीन में चौड़ाई पहले भी अच्छी थी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए और भी इसकी चौड़ाई को बढ़ाया है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है पहले से। और पहले कितनी थी, पहले ये जो रॉ दिख रहा है आपको पेपर पे, एक लाइन जो दिख रही है आपको उतनी थी। और यहाँ पे आप लाइन के ज़रिए समझ सकते हैं कितनी होगी पहले की, मैं आपको एक बार कपड़े पे ही बता दे रहा हूँ बना के कि पहले की जो हमारी जिगजैग चौड़ाई थी वो इतनी थी जितनी की अभी आप देख सकते हैं।
देखिए काफ़ी डिफरेंस है दोनों में और काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है मेरी zigzag। तो इस मेथड का यूज़ करें आप और इस तरीके से आप अपने मशीन की zigzag को बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।